हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स। तो मैं स्तोता आ गई हूँ आज नए एक्सरसाइज के साथ। आज हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे ये वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर का स्टार्टिंग 1 से होता है कि 0 से होता है? बोलो बोलो, होल नंबर 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके चलता ही रहेगा अप टू इनफिनिट। ओके, ये है होल नंबर का सेट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5। फर्स्ट 5, तो फर्स्ट 5 होल नंबर क्या क्या होगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये है फर्स्ट 5 होल नंबर। तो क्या है, 0 to 4 ये है फर्स्ट 5। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। तो पहले हम क्या करेंगे, द फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर क्या है, देखो 0, 1, 2, 3 और 4। अब क्या करना है, देखो मीन, तो लिखो देयरफॉर मीन इक्वल टू क्या होगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 / 5। देखो फर्स्ट 5 है, 5 इक्वल टू क्या होगा, 0 + 1 = 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 4 = 10। तो 10 / 5 इक्वल टू 2। तो फाइंड द मीन, देयरफॉर द मीन इज 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, फाइंड द मीन स्कोर। चलिए ये डेटा हैंडलिंग में है इसलिए मीन ये टर्म है, नहीं तो क्या ऐसे एरिथमेटिक में हुआ करता था, तो ये एवरेज, फाइंड द एवरेज स्कोर यही होता क्वेश्चन, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल नहीं, इधर मीन बोल के ही लिखो, मीन इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय क्या, बोलो बाय क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो क्या होगा, 58। इसको हम देखो, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके लिख सकते हैं, इधर मैं नहीं लिख रही हूँ, ऐसे जैसे है वैसे ही कर रही हूँ। तो क्या होगा, 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100। ओके, अब देखो टोटल कितना है, 8 ऑब्जर्वेशन, तो काउंट करने का कोई जरूरी नहीं है, 8 ऑब्जर्वेशन है, 8 इनिंग्स है, तो बाय 8 करो। अब क्या करना है, इसको ऐड करो, लिखो, ऐड करके लिखने से क्या होगा, देखो इधर ही चलो ऐड कर लेते हैं, 58, 76, 40, 35, ये चार को पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखो 5, 6, 11
ऐसे कुछ नहीं है कि चार चार करके करना है, इधर स्पेस कम है इसलिए मैंने चार लिख लिया, ऐड कर लेती हूँ पहले। 5 + 6 11, 11 + 8 19, 19 का 9 मैंने लिखा, अब 1 है। 3 + 1 4, 4 + 8 8 7 15, 15 + 5 20। अब क्या है देखो, अप टू दिस मच हो गया था, अब बाकी 4, 46 45 0 100। तो देखो 5 6 11 1 1 4 5 4 9 1। अब देखो ये दोनों को ऐड करेंगे, क्या होगा 209 191। तो देखो 0 4, तो 400 / 8 क्या होगा 50। तो एक फाइंड द मीन स्कोर, दरअसल लिखो इधर आंसर लिखो, देयरफॉर द मीन स्कोर इज 50। तो ऐसे करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे।